ओके, तो हमारा क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारा आधा वाला हिस्सा यानी कि आपके कमर से ऊपर वाला हिस्सा कैसे होता है, पीछे की ओर किसी आगे से किसी ने पीछे की ओर धक्का दिया है, इस तरीके से फीलिंग को महसूस करता फील करता है। जबकि नीचे वाला हिस्सा में ऐसा कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे रीज़न है क्या है, हम जैसे ही बस के सीट पर बैठे, बस के साथ हमारे नीचे वाला हिस्सा यानी कि कमर से नीचे वाला हिस्सा भी क्या आ गया, मोशन के बिहेवियर को फील कर रहा है, मोशन के बिहेवियर को फील कर रहा है। जबकि हमारा ऊपर वाला सिर जो है, अपर पोर्शन जो है क्या है, अभी भी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, फील कर रहा है, विराम अवस्था को फील कर रहा है। दैट्स द रीजन, जब हमारा आधा हिस्सा बस के साथ आगे भागेगा तो ये वाला हिस्सा तो अभी भी स्टेबिलिटी को फील कर रहा है ना, तो क्या होगा, आधा हिस्सा पीछे की ओर जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। इसी वजह से हमें बस पे अचानक बस के चलने से हमें इस तरीके से फीलिंग आती है कि किसी ने आगे से हमें पीछे की ओर धक्का दिया है। दूसरे सिचुएशन में आपको बात करना चाहूँगा, अपन लोग बस में चल रहे हैं, बस भी अच्छी स्पीड में हैं, अपन लोग भी अच्छी स्पीड में हैं, अपन लोग भी मोशन के वे जो बिहेवियर उसको फील कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक को प्रेस कर दिया। क्या होता है, ऐसा लगता है कि पीछे से किसी ने आगे की ओर धक्का दिया है। क्यों, ये भी कॉन्सेप्ट जो है टोटली बेस्ड किस पर बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। कैसे, जैसे ही बस रुकी, हमारा कमर से नीचे वाला हिस्सा भी क्या है, रुक गया। क्यों, क्योंकि ये कैसे मोशन के साथ यानी कि बस के साथ चल रहा था तो ये रुक गया। लेकिन जो हमारा अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, हमारे बॉडी का अपर पोर्शन है, वह क्या कर रहा है, अभी भी मोशन को फील कर रहा है और ये आगे जाने की कोशिश करता है। दैट्स द रीजन, हमें जैसे ही ब्रेक प्रेस होता है ड्राइवर के द्वारा, ऐसा लगता है पीछे से किसी ने धक्का दिया है। ओके, तो इसका जो है आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, ये एग्जाम्पल यहाँ पास लिखी गई हैं, आप लिख सकते हैं इसको, ये आपके बुक में है पेज नंबर 116 पे, लास्ट पैरा देखना। सर्टेन एक्सपीरियंस दैट वी कम अक्रॉस वाइल ट्रैवलिंग इन अ मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ एनर्जिया। तो इसको इसमें जो लिखी गई है मोटर कार के विद हेल्प ऑफ मोटर कार पे जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फिनोमेना, उसके बारे में उन्होंने बताया है, तो उसको आप जो है अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड द एग्जाम्पल व्हाट एक्चुअली यू कैन सी द पेज नंबर 116 ऑन 9th class science book। ओके, सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके बेटा, नाउ इट्स द टाइम फॉर द सेकेंड लॉ, व्हाट एक्चुअली द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड व्हाट इट इज से एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। ओके, सो दोज कॉन्सेप्ट वी वुड लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.